सिर्फ तेरी वजह से देर हो रही है, सिर्फ तेरी वजह से। पता था मुझे। अच्छा आज मैं इनवाइटेड हूँ एक डिनर पे और मैं पहले बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे वहाँ पे जाना है, तो बातें शातें आज बाद में होंगी। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ और जल्दी से तैयार होने का भी मेरे पास तरीका है। RHS की चुटकी में जादू है भाई, मजाक नहीं है कोई। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? चलो खैर है, कोई बात नहीं, अब चलते हैं, पहले देर हो चुकी है। अच्छा जब कहीं जाने में देर हो रही हो ना बहुत ज्यादा, सिर्फ तब जो है ना ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, वरना ये सब जो गाड़ियां बाइक्स ये सारे उड़ते जा रहे होते हैं और जिस दिन बंदे को देर हो रही है उस दिन ट्रैफिक ब्लॉक। सलाम। वालेकुम सलाम। सिर्फ तेरी वजह से देर हो रही है, सिर्फ तेरी वजह से। पता था मुझे। भाई मुझे लग रहा था कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ तो, लेकिन इधर आके पता लगा कि अभी जो है टाइम है लोगों के आने में, तो काम ठीक है। तो आ गया भाई वापस, खाना बड़ा ही फिट था और लाइट बहुत डिम थी जिसकी वजह से जो है ना वो मैं दिखा नहीं सका ख़ास तौर पे। एक मिनट मैं रिलैक्स हो लूँ। हाँ तो खाने में जो है वो स्टीम बीफ था, राइस थे, तो खाना बड़ा ही अच्छा था। और उसके बाद आज जो है अब इससे आगे बातें ही होंगी, कोई सीन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, तो इससे आगे जो है ना सिर्फ बातें, देखना तो देख लो। तो आज जो है ईद का दूसरा दिन है और कल रात मैं पूरी रात ब्लॉग एडिट करता रहा 4:30 बजे तक रात को, जो मैंने आज सुबह अपलोड किया, और उसमें पूरी रात गुजर गई और जो है नींद पूरी नहीं हुई। और आज मैं उठा 3:30 बजे दोपहर को और उसके बाद कुछ भी करने को नहीं था, तो आज सिर्फ इतना सा, ये छोटा सा ही ब्लॉग होगा ये, तो इसमें आज पूरे दिन में सिर्फ यही किया। मैं सोच रहा था कि आज के ब्लॉग के साथ Q&A सेशन रख लिया जाए, क्वेश्चन एंड आंसर। कुछ क्वेश्चन आए भी थे, इतने ज़्यादा नहीं है तो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं वो अलग ही होने चाहिए, क्या ईद के दूसरे दिन में मैं ब्लॉग में क्वेश्चन आंसर सेशन रख लूँ। तो अगला जो ब्लॉग होगा वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें क्वेश्चन के जो कुछ जवाब हैं वो दूँगा और उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होगा। तो आज का ब्लॉग बस ही छोटा सा ही था। अच्छा वैसे ईद बचपन की होती थी, कितने दिन पहले बकरा लेके और उसको सैरें करवाते होते थे, तीनों दिन ईद के मनाते थे। आज तो दूसरा दिन है और लग रहा है कि मतलब ईद ख़त्म हो चुकी है, कल ही ईद थी बस, और बस तीसरा दिन भी ऐसा ही होगा। तो आज बस यहीं पे एंड है, इतना कोई ख़ास नहीं है। और एक बात बतानी लाजमी है कि ये पीछे जो लिखा हुआ स्नैपचैट अकाउंट ये चेंज हो चुका है, ये बंद कर दिया क्योंकि इसका जो यूज़र नेम है वो बहुत अनप्रोफेशनल सा था, हमज़ा राना फॉर यू, तो अब जो है वो नया बन गया राना हमज़ा सैफ विदाउट एनी स्पेस, वो नया स्नैपचैट अकाउंट है, तो इसको अगले व्लॉग में साफ़ सफाई कर देंगे इसकी, ठीक है।